पिता का साया व्यक्ति को उसकी उम्र का एहसास नहीं होने देता। पिता के ना रहने पर भी उनका आशीर्वाद एक अदृश्य छत्र छाया की तरह परिवार की रक्षा करता है और अपने बच्चों को खुशहाली के पथ पर ले जाता है। दोस्तों, आप सबको मालूम है मेरे वाइल्ड लाइफ के गुरु मेरे पापा थे। 9 साल की उम्र में पहली बार टाइगर दिखाया पन्ना नेशनल पार्क में, उस वक्त भी मना नहीं किया। और जब मैं 17-18 साल का था बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जब भी वो वीआईपी ड्यूटी में जाते थे, कभी वो तो उनका तो ट्रिप लगता ही था, हफ्ते में 2-3 लगते थे, और मैं पहले से ही गाड़ी में बैठ जाता था और कभी मना नहीं करते थे। और जंगल में ले जाके सारा खुशी खुशी मुझे एक एक जानवर और एक एक आवाज के बारे में बताते थे। मैं आज जो वाइल्ड लाइफ की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं 90% पापा की बताई हुई है। लेकिन आज 1 लाख सब्सक्राइबर हुए लेकिन पापा नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं पापा को समर्पित करता हूँ। वीडियो क्या, मैं ये यूट्यूब चैनल ही पापा को समर्पित करता हूँ। मैंने मंदिर में दर्शन किए थे वो दिखा के, उसके आगे मैं राज और सिमरन की क्लिप और अपने जंगली रिजॉर्ट के जो क्लिप्स हैं वो जोड़ दे रहा हूँ। दोस्तों, आज 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए जो कनॉट प्लेस वाले बजरंगबली हैं, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहाँ आया था मैं था और साकेत, हम लोग दर्शन करने आए थे। तो बस अभी करीब 10 सब्सक्राइबर होने बाकी हैं, तो अभी बाहर से लाइव कर लेते हैं। दोस्तों, उस दिन लाइट में फॉल्ट आ गया था। दोस्तों, जिस दिन लग रहा है ना कि टाइगर का कब या लेपर्ड का कब आया था, उस दिन फॉल्ट हो गया था लाइट में। हम लोग बॉनफायर में बैठे थे तभी अचानक फट 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 सारे बल्ब फूक गए, जितने जल रहे थे सारी हैलोजन सब चली गई थी। इवन बाद में जो बल्ब मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, वो बर्डिंग हट के निकाले, क्योंकि उस टाइम पर बर्डिंग हट में कोई गेस्ट नहीं था, सारी लाइट्स ऑफ थी। तो बर्डिंग हट को छोड़ के एक भी रूम का बल्ब बचा नहीं था, क्योंकि सारे रूम लगे हुए थे। डाइनिंग के भी बल्ब चले गए थे, 4 में से 2 बचे, डाइनिंग में तो 2 बच गए हैं, वो अलग तरह के बल्ब होते हैं रस्सी में लटकने वाले। तो आज इलेक्ट्रिशियन आया है। जंगल में काम करने का ये बहुत दिक्कत होती है। देखिए, 3 दिन से इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन कर रहे थे, तो आज आया है, तो आज काम चल रहा है। अभी जनरेटर ऑन किया है, तो उसमें लाइट्स वगैरह कुछ चेक कर रहे हैं, नीचे पुष्कर वगैरह साथ में बता रहे हैं उनको वहाँ पर। और क्योंकि ये कल से लकी आ गया है यहाँ पर, तो अब ये जो खरगोश हैं इनको खतरा हो गया। मेरे सामने तो बड़ा शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहा है ये। मैंने अभी गोदी में खरगोश पास में लाया तो ऐसा कर रहा है जैसे इसको तो कोई मतलब ही नहीं है, गऊ है एकदम। ये देखो एक्टिंग, देखो इसकी। भाई खरगोश खाएगा तू? खरगोश खाएगा? देख निगाह पूरी है बेटा, है मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। अभी गऊ बन रहा है लेकिन तेरे पूरे चक्कर में है तू। राज सिमरन की लव स्टोरी खराब करेगा, खलनायक है। तो मैंने पिंजरे में ही रख दिया इनको, और एक जो टनल ऊपर बनाई थी छत पे वो मैंने पिंजरे के अंदर बना दी है। 3 लकड़ी के सांचे रख दिए, तो नीचे टनल बन गई है, ऊपर एक फ्लोर बन गया। और ये फर्स्ट फ्लोर तो बना ही हुआ था, मुर्गों के टाइम से बनाया था। मैं दिखाता हूँ आपको खोल के। ये अंजलि जी हैं, बाहर आ रही हैं। बेटा वो बैठा है, ये देख
वो बैठे हैं भाई साहब, तुम्हारे ऊपर ही निगाह है उनकी। जाना मत, मैं जैसे ही जाऊंगा ना, ये शाकाहारी से मांसाहारी बन जाएगा। चलो चलो अंदर अंदर चलो, अंदर चलो, खतरा है, खतरा है, खतरा है, खतरा है। अरे जाओ जाओ, ये आए राजबाबू। मैं कैसे पहचानता हूँ फ़र्क? राज के कान थोड़े सफ़ेद हैं, अंजलि के काले हैं। वो छोटा चेतन, और सिमरन तो घुस गई उसके पीछे, उसको लगता है पकड़ लेंगे। भाई अंदर चल ले यार, लकी बैठा है। चल मेरे सामने कुछ नहीं बोलेगा, जब अकेले रहोगे ना पकड़ लेगा तुम्हें तो। अरे भाई ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। चल चल, तो लेके चलता हूँ, रुक जाओ, लकी से मिलवाता हूँ। नहीं, तुझे बड़ा शौक है, बड़ा शौक है, आ जा भाई। हाँ भाई, क्या है, क्या ख्याल है लकी बाबू? मैं कह रहा हूँ मत निकलो बाहर, तब नहीं मान रही ये अंजलि है। हाँ भाई, क्या ख्याल है लकी जी? ज़्यादा करना ठीक नहीं, क्योंकि इनके रैबिट्स का हार्ट बड़ा कमज़ोर होता है। डर लगा लकी से, इसलिए मना कर रहा हूँ, बाहर मत निकलो। जो फरारी पे निकल रही हो वो लपक लेगा, समझ में आई बात? आई? अब निकलोगे बाहर? गुड। नींबू पत्ते खाने? ओके। दांत दिखाओ, दांत ब्रश किए थे? ब्रश किया था? दिखाओ दांत, दिखाओ, ये दिखाओ, पीले पीले ये दांत। ऊपर वाले दिखाओ, आज सुबह तो इनको छोड़ दिया था, लेकिन तब तक लकी नहीं आया था। लकी आया तो मैंने कहा भाई इनको अंदर रखना ही ठीक है। भूख लगी है? भूख कहाँ से लगेगी तुम्हें, दिन भर तो खाते रहते हो। इतने पत्ते हैं, पराठे, रोटी जो दे दो सब खाते हैं। पिंजरे में जाना है? चलो जाओ जाओ, अब मत भागना बाहर। तो ये इस तरह से इनकी टनल है। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, और यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है। ये बल्ब लगा था गर्मी के लिए, लेकिन बल्ब तो फ्यूज हो जाता है। ये पिंजरा मैंने बनाया था मुर्गों के लिए, तो ये फर्स्ट फ्लोर बनाया था कि उड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन ये टनल बना दी, इनको बहुत पसंद आ रही है। रात को भी इसी में रखा था, तो सारे इसी के अंदर बैठे थे, क्योंकि लकड़ी का है, ठंडी लगती है। ऊपर से हम ये ढक देते हैं। कई लोग पूछते हैं त्रिपाल क्या है, मैंने किसी वीडियो में बोला था त्रिपाल, तो लोग पूछ रहे त्रिपाल क्या है, तो इसको त्रिपाल, मध्य प्रदेश में त्रिपाल बोलते हैं, तो मेरी भाषा तो मध्य प्रदेश की है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या बोलते हैं। लेकिन ये ट्रक का त्रिपाल होता है, ट्रक के ऊपर जो कवर होता है ना, वो मैं आज़ाद मार्केट से लेके आया था। ये यहाँ जो डॉर्मेट्री थी उसके ऊपर डालने के लिए। तो इनको ठंड तो नहीं लगती, वैसे भी ये अगर पूरा मैं इसको हटा देता हूँ तो ये फिर परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने शेड रखा है कि छाँव में बैठ सके। अगर धूप में बैठना है तो धूप में बैठ सकते हैं। अभी सिमरन जी जो है वो छुपी हुई है, बड़ी शर्मीली है। सिमरन कहाँ भाई, सिमरन कहाँ? ये सिमरन है, ये बैठी, ये निकली। सिमरन से अभी आपकी मुलाकात करा दूँ, तब तक तो बंद कर दूँ पिंजरा। ये आ गई हैं सिमरन जी, गोदी में आके ऐसी बन जाती हैं जैसे कि बहुत आज्ञाकारी हों। और छोड़ दो एक बार बस फरारी पे। हाँ भाई, खेत में जाना है? आईज दिखाओ अपनी आईज। अरे खोलो यार पूरी।
सबसे साफ सुथरी ये रहती है, क्योंकि तो इसके बाल छोटे हैं और बाकी तीनों के बाल बड़े हैं। अंगोरा जो होता है उसके टाइप के हैं। इसका कलर वाइट है, लेकिन ये गंदी भी नहीं होती। वो गंदे भी थोड़े थोड़े से गंदे, क्योंकि उनके बाल इतने बड़े हैं कि वो साफ़ नहीं कर पाते। उनके कान छोटे हैं, इनके कान सिमरन जी के कान बड़े हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कान से ही कंट्रोल करते हैं, जैसे कुत्ता जीभ से करता है, हम अपनी स्किन से करते हैं। पसीना आता है तो हमें ठंडा लगता है, तो इनके कान जो है, जितने गर्म इलाके में जितने खरगोश मिलेंगे आपको, उतने बड़े उसके कान होंगे। कान छोटे मतलब ठंडे इलाके का खरगोश है, कान बड़े हैं मतलब गर्म इलाके का है। तो इसके बाल छोटे हैं सिमरन के, कान बड़े हैं, और वो जो राज छोटा चेतन और अंजलि है, उनके कान छोटे हैं बाल बड़े हैं, मतलब वो ठंडे इलाके के। देखिए इसकी लकी की निगाहें बिल्कुल वो जो खरगोश का पिंजरा है उस तरफ ही देख रहा है। भाई क्या कहना है आपका, रैबिट्स के बारे में क्या कहना है, खाओगे उनको? ये देखिए, ये लगातार ये पिंजरा है, यहीं बैठ के ध्यान लगाए हुए हैं। ये देखो बिल्कुल सीधी निगाह है रैबिट्स की तरफ। तो बीच में नहीं आ रहा था कई दिन से, अब आ रहा है, तो ये कई दिन तक आएगा लगातार। और क्योंकि इसने रैबिट्स देख लिए, इसलिए इनको पिंजरे में रखना ही ठीक है। ये रैबिट्स, ये उनका दुश्मन लकी। ऐसे वो छत पे जाने का रास्ता है, वहाँ छोड़ देते थे छत पे, लेकिन कई सब्सक्राइबर ने लिखा कि हॉक्स, हालांकि हॉक्स से खतरा नीचे भी, अगर हम नीचे भी खुला छोड़ें, सेफ केवल वो पिंजरे के अंदर ही है। पिंजरा काफ़ी बड़ा है, और अगर पूरा खोल दो तो पूरे में धूप आती है। कवर कर दो जिस हिसाब से है, तो आधा कवर किया हुआ ताकि जब छाँव चाहिए हो छाँव में बैठ जाए। तो इनकी सेफ्टी है नहीं ज़्यादा। वैसे पिंजरे में इतने सारा मैंने बना दिया इवेंट करने के लिए, यहाँ से उछल के वहाँ से निकलने का, कि उनकी अच्छी खासी एक्सरसाइज रहती है। तो इसको सिमरन को छोड़ के बाकी को तो मैंने खुला छोड़ा था, ये लकी वहाँ था तो मेरे डर से आ नहीं रहा था, लेकिन सिमरन को नहीं छोड़ा। उसको छोड़ते ही उसने ये रास्ता पकड़ना था और यहाँ से खेत में। आज अभी मैं निकल जाऊँगा लंच करके दिल्ली, फिर 6-7 दिन में बनेगा अपना उत्तराखंड का ट्रिप। वो जो मेरा मचान बना है उसके वहाँ पे बड़े अच्छे पिंक फूल आए हैं। लकी बाबू जहाँ घूम रहे हैं उनकी निगाह घूम फिर के खरगोश के पिंजरों की तरफ ही है। ये मणिकूट पर्वत दिख रहा है सामने, और ये बैठे हैं भोले बाबा सब परिवार, गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती माता, नंदी बाबा और ये भोले बाबा। सामने दिख रहा है अपना टेरेस हाउस। अब अभी जब ये मालूम चला है कि एक एक लेपर्ड उसका बच्चा है यहाँ पे, जैसा कि उनको दीपक जी को रात में दिखा था, तो अभी मंदिर में पूजा कर रहा हूँ तो मुझे कई बार थॉट आ रहा है कि भाई यहाँ से झांक तो नहीं रहा है, इधर पीछे जंगल ही है। क्योंकि बच्चा है उसे समझ नहीं है, प्रॉपर मेल लेपर्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा है वो तो कुछ भी गलती करेगा और उसकी गलती की सज़ा उसकी माँ मुझे देगी, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हूँ, देख रहा हूँ पूजा करते वक्त भी। अब देखिए मंदिर के बगल में ये ऐसा जंगल ही है पीछे। ये वो खरपतवार है जिसने हमारा ये पुश्ते का खर्चा बचा लिया। खर्चा क्या, वो प्रॉब्लम थी, अगर पुश्ता गिरता तो वो कमरों को डैमेज करता, छोटा पुश्ता लगाया था, लेकिन ये खरपतवार आ गई, इसने मिट्टी को पकड़ लिया, वरना मंदिर पे खतरा आ गया था। एक बार मिट्टी 4-5 साल पहले गिरी थी तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ तक आ गया था, थोड़ा सा पत्थर हमें लगाए थे, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इतने मजबूत मजबूत पेड़ लग चुके हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोस्तों जो गेंदे के पेड़ हैं, ये तो मंदिर में चढ़ा हुआ निकलता है इसलिए यहाँ हो गया, वैसे उधर आगे साइड लगे हुए हैं काफ़ी। तो ये सारे फूल जब इंद्रपुरम में मैं पूजा करता था तो मैंने एक लगाया हुआ था फूल वाला ना, जो रोज़ दरवाजे पे फूल टांग जाता था। ये बात है 2015 की, 14-15 जब रिजॉर्ट बन रहा था, तब मैं वो सारे सूखे फूल ले आता था और यहाँ पूरे में फैला देता था।
मंदिर की जब नींव खुद रही थी तब भी मैंने यहाँ पे बहुत सारे डाले थे, और पीछे बहुत सारे हो गए थे। फिर पूरा बगीचा ही लगा रहता था। एक दो साल से इन लोगों ने बीज पे ध्यान नहीं दिया, वरना पहले क्या था, एक जगह जमा हो जाए तो बारिश में फिर उनको उखाड़ उखाड़ के लगाते थे पूरे में। अभी भी हैं गेंदे, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं जितने पहले होते थे, वो सामने लगे हुए हैं। तो मंदिर में चढ़ाने लायक तो हो ही जाते हैं। अब इस बार मैं फिर क्या कर रहा हूँ कि जितने मंदिर में चढ़े हुए होते, हर बार आता हूँ, ये देखिए यहाँ फैलाए हुए हैं। ये केवल इस बार के नहीं फैलाए हुए हैं, मैं जानबूझ के ये पौधों की जड़ में डाल रहा हूँ कि बारिश में बहेंगे नहीं, और इस बार जो बारिश आएगी तो चारों तरफ गेंदे ही गेंदे हो जाएंगे, यहाँ से लेके ऊपर भी मैंने डाले हुए हैं, और बाद में उनको प्रॉपरली उखाड़ के लगा देंगे। देखिए लकी जी बैठे हुए हैं एकदम टकटकी लगा के इनके सामने, सिमरन जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, बाकी नीचे हैं जो मैंने गुफा बना दी उसके अंदर बैठे हुए हैं, और इनकी निगाह तो ऐसे दर्द भरी निगाह से देख रहे हैं जैसे इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ भैया क्या है, क्यों बैठे हो यहाँ पे, खरगोश के चक्कर में हो क्या? बोलो, अगर तुमने खरगोश को हाथ लगाया ध्यान रखना, समझ गए समझे? यहीं बैठे हो तब से? पहले ये डरे हुए थे, लेकिन अभी इनको पता चल गया है कि पिंजरे के अंदर कुछ नहीं कर सकता, तो ये जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे रह रहे हैं। और इनकी निगाह देखो बिल्कुल वही है। दोस्तों आज पुष्कर ने बनाई है गैत की दाल, ये पहाड़ी दाल है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी टेस्टी है। अभी मैंने चख के देखी कटोरी में, बहुत ही बढ़िया दाल है। अब दोस्तों लोग बोलते हैं ना जंगल में गाड़ी खराब हो जाएगी तो क्या होगा, तो इस तरह से बैकअप गाड़ी आती है। आप देख रहे हो सामने एक गाड़ी खराब है, और शायद उन्होंने दूसरी जिप्सी बुलाई हुई है। अब निकलने का रास्ता भी ये देखिए खराब है, तो इस तरह से बैकअप मिल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपकी जान पहचान हो तो, अगर आप अनजानी जगह पर जा रहे हो। अब देखिए दिन में वो एलिफेंट क्रॉसिंग ऐसी दिखती है, मैंने आपको पिछले वीडियो में रात को दिखाई थी, यहां से आप देख रहे हो साफ साफ रास्ता बना हुआ है, यहां से हाथी निकलते हैं, और जहाँ एलिफेंट क्रॉसिंग है वहीं पे उनकी गाड़ी खराब हुई है। शाम का टाइम है, एलिफेंट का ही टाइम है, लेकिन दूसरी जिप्सी आ चुकी है और पीछे से तीन चार गाड़ियाँ और आ रही हैं। मैं जब विंध्यवासिनी माता चला था तो दो तीन चार गाड़ियाँ और निकलने वाली थी, तो कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर ही गाँव है। दोस्तों उस दिन जो हाथी निकल के आया था वो इस नहर से, यहाँ कहीं से आया था, इसी स्ट्रेच में से, सामने घना जंगल है वहाँ से उतरा। ये गहरी बहुत है, करीब 40-50 फीट गहरी नहर है, इसमें तैरता हुआ आया, तो वो फ्लोट कर रहा था, 40-50 फीट तक तो नहीं गया होगा, लेकिन आप ये देख रहे हो स्टीप, चिकना एकदम, इसमें से चढ़ के यहाँ से पैर रख के ऐसा आया था, और इस रोड पे वॉक कर रहा था जहाँ वो गाड़ी है और जहाँ ये है, इसके बीच का ही किस्सा था। ये डाल टूटी हुई देख रहे हैं आप, ये हाथी नहीं तोड़ी है। तो इस रोड पे चलता हुआ ऐसा यहाँ से फिर कहीं अंदर चला गया वो। तो ये जो मैं बता रहा था, कई लोगों ने बोला कि वो नहर में पानी पीने गया होगा, पानी पीने नहीं, वो अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखोगे चढ़ता हुआ दिखा, जैसे मैंने ब्रेक मारे तो कैमरा आगे चला गया, फिर मैंने कैमरा एडजस्ट किया, लेकिन अगर आप बैक करके पॉज करके देखोगे साफ साफ निकलता हुआ आ रहा था, ऐसे निकल के दीवार फांदी यहाँ आया, थोड़ी देर ऐसे देखा मेरी तरफ, मेरी गाड़ी वहाँ थी, चार्ज करने की मूड बनाया उसने, फिर धीरे धीरे वॉक करते चला गया, इस जगह कहीं खड़ा हो गया, अंदर से आवाज़ आ रही है, और वो इस मूड में था, जैसे ही मैं निकलूँ तो टक्कर मारे, अगर मैं निकलता और एक टक्कर मारता तो गाड़ी कैनाल में जाती, तो मैंने कहा गाड़ी रोक के मैं एक बार दिखा दूँ आपको जगह। तो सांबर डियर पानी पी रहा है ये इसी नहर में जिससे हाथी उतरा था, ये सांबर डियर आके पानी पी रहा है, और पूरे पूरे चांसेस है हाथी यहां से उतरा हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चिकना नहीं है। और हो सकता है यही स्पॉट हो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली स्पॉट याद नहीं है, तो वहां चिकने में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन
यहाँ खुरदुरा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हाथी उतर भी आए आराम से और चढ़ भी जाए। काफी बड़ा है, एक सिंह है एक टूटा है।